केंद्र की सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान था। भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य संगठनों के आह्वान पर पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर नीलोखेड़ी के समीप रायपुर रोडान के पास किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में दोपहर 12 से 4 बजे तक के लिए रोड जाम करने का आह्वान किया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान सड़क पर आकर बैठ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार इन काले कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले। वहीं पर रोड जाम होने से आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर सड़क पर बैठे किसानों के लिए लंगर सेवकों द्वारा खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह ने बताया कि सरकार इस आंदोलन को सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन मान रही थी, परंतु आज के भारत बंद से ये साबित हो गया है कि ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, जिसके लिए हर किसान सड़क पर है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों से एवं सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से भी आह्वान किया कि हर कोई व्यक्ति किसान की खेती से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसानों के समर्थन में सभी सरकारी अधिकारियों एवं प्राइवेट व्यापारियों को भी आगे आना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सरकार बाज नहीं आती तो आगामी 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। सब कोर्ट क्या, वकील क्या, हमारे पत्रकार भाई क्या, हमारे अधिकारी क्या, हमारे पुलिस वाले क्या, उन सबको इस देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हमारे धार्मिक नेता, हमारे सामाजिक नेता, उन सबको भी देश बचाने के लिए आगे आना चाहिए। तो आम जनता क्या परेशान हो रही है, जाम लगाया, वही परेशान भी हो रहा है। हमने पहले से रिक्वेस्ट की थी कि 12 बजे से 4 बजे तक अपने सड़क में ना जाए, और लोगों ने हमारी बात मानी की है। और जहाँ तक एम्बुलेंस यहाँ से कही आई है, मिलिट्री गाड़ी हुई है, आपातकालीन निकला है, उसको रोक नहीं रहे। और दूसरी बात, कोई भी अगर जुलूस को रोकना है उसके लिए तकलीफें तो सहनी पड़ेगी। और क्या मांग क्या है आपकी? पूरा बात, जो तीनों काले कानून बनाए वो वापस लिए जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए, पूरे देश के किसानों को कर्तव्य किया जाए। कितनी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं यहाँ पे? कितनी संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं यहाँ? देखिए, भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और कुछ बैठे रुक भी गए हैं क्योंकि पीछे पहुँचने रोक लिए हैं। लेकिन आज पूरे देश का प्रोग्राम है, ये केवल यहाँ का या हरियाणा का नहीं है। आज संकेती के 4 घंटे के लिए पूरे सरकार को बताने के लिए कि ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। और अगर अभी सरकार नहीं मानती है तो फिर 26 और 27 तारीख को दिल्ली कुछ। तो कल जंतर मंतर में नवजोत सिंह सिद्धू गए थे, उनको भी दिल्ली बॉर्डर पर रोक लिया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उसके बारे में क्या कहूँ, तो सरकार का काम है रोकना, और जो राजनेता है वो आंदोलनकारी नहीं है, वो फॉर्मेलिटी को दिखाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो आवाज उठा रहा है वो अच्छा है। आज के बाद क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? 26 और 27 तारीख को पूरे देश का दिल्ली कूच करेगा। तो पंजाब में जिस तरह से टोल फ्री करा रखे किसानों ने, तो हरियाणा में टोल फ्री करा रखे गुस्से में कि ये कंपनियां हमें लूट रही, हम कंपनियां का विरोध करते हैं। लेकिन पंजाब में तो जो है वो सरकार भी साथ दे रही है, हरियाणा में तो सरकार रोज एक नया मुकदमा दर्ज करती है, 307 के 20-25 मुकदमे दर्ज कर दिए, 370 का मुकदमा दर्ज कर दिया। यहाँ तो जुलूम उठा रही है सरकार। अभी यहाँ पे जहाँ बैठे हो, यहाँ पे कल कोर्ट से स्टे ले लिया है। कौन सा दीन धर्म है ये सरकार का? सरकार अपने धर्म से गिर रही है यहाँ पे, इसलिए हरियाणा और पंजाब के आंदोलनों में अंतर है। मगर सड़कों पर बैठकर खाना खा रहे, जिम्मेदार क्या हालत आएगी? इस बीजेपी सरकार ने सड़कों में मजबूर कर दिया किसान, और इनको 1 महीना का जीरी गिरी ना लगे, 1 पैसा नहीं पेमेंट का, जो 72 घंटे में कहाँ थे। हाँ, पेमेंट नहीं अब लगाई है, सारे देश का एक पेट भरने के लिए सारा जो अन्नदाता जो है किसान है, सारे देश की पालना मतलब पेट भरता है, इसी ने नहीं पैसा मिल रहा, सड़कों में बैठकर रोटी खानी पड़ रही, और तंग होएगा किसान बिल्कुल। ये सरकार तो बर्बाद करने पर खड़ी है, रोष है सर। हाँ, बिल्कुल किसानों में रोष है। आज बड़ौदा देखियो, बिल्कुल आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा, और बिहार में भी आ रहा। हाँ जी, जहाँ भी इलेक्शन आवागा ये वहीं आ रहा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.